process of human resource planning. Okay, it starts with first process that is known as environmental scanning. Environmental scanning. Okay, it is the first step in the process of human resource planning is environmental scanning. Environmental scanning के अंदर क्या होता है? हम identify करते हैं कि environment में क्या क्या opportunities आने वाली है हमारी organization के लिए. Okay, so first process is environmental scanning and next process is उसके basis पे हम अपने organization के objectives and policies को decide करते हैं. उसके बेसिस पे एनवायरमेंटल स्कैनिंग के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्ट क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकती है और उसके बेसिस पे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज को डिफाइन करते हैं. ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज डिसाइड करने के बाद हमें ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे इसको बोलते हैं एचआर फोरकास्टिंग. ओके, एचआर फोरकास्टिंग से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं एचआर डिमांड एंड एचआर सप्लाई. ओके, सो कितनी डिमांड होने वाली है, कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसने अपनी ऑब्जेक्टिव चेंज किया और उसको अपना प्रोडक्शन लेवल 1000 यूनिट से ज्यादा बढ़ाना है. ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? 1000 यूनिट ज्यादा प्रोडक्शन करना है. ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या रिक्वायरमेंट होगी? ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, एचआर की डिमांड होगी. और वो एचआर कहां से, ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई कहां से होगी? दैट इज नोन एज एचआर डिमांड एंड एचआर सप्लाई. इसको बोलते हैं अपन एचआर फोरकास्टिंग. ओके, अब उसको करने के बाद आता है मैन पावर गैप. मैन पावर गैप दो तरीके से हो सकता है, या तो शॉर्टेज होगी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर सरप्लस होगा. अब इसको अपन कैसे समझते हैं? सरप्लस हो, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसके ऑब्जेक्टिव उसके प्लान्स को देखते हुए 1000 लोगों की आवश्यकता है. ओके, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में अभी 900 लोग ही है. ठीक है, तो क्या है सिचुएशन? शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज. ओके, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1100 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम कितने लोगों का है? 1000 लोगों का है. ओके, सो देयर इज सो क्या है? सरप्लस है. यहाँ पे 100 की शॉर्टेज है और यहाँ पे 100 लोग सरप्लस है. ओके, अब अपने को जब ये पता लगा कि शॉर्टेज है और सरप्लस है, तो इसके बेसिस पे हम क्या डिसाइड करेंगे? एचआर प्लान्स डिसाइड करेंगे. ओके, और ये नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट फंक्शन के. ठीक है, एचआर प्लान्स कैसे? अगर शॉर्टेज है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रेश रिक्रूटमेंट्स करने पड़ेंगे. ओके, सिलेक्शन करना पड़ेगा. ठीक है, और अगर सरप्लस है तो क्या होगा? लेऑफ करना पड़ेगा. लेऑफ मतलब ऑर्गेनाइजेशन से निकालना, वीआरएस देना पड़ेगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विसेज. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स planning. Okay, environmental scanning, organization objectives and policies, HR forecasting, demand and supply, manpower gap, shortage and surplus. Okay, then formulating the HR plans, recruitment selection करने हैं fresh, या फिर layoffs करना है, या voluntary retirement schemes करनी है, demotion करना है, promotions करना है, all these are decided on the basis of this process. Okay, so this is the process of